हेलो बच्चों, कल 5th ऑफ फेब को सीजी की मेरिट लिस्ट आ चुकी है, अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन्हें नहीं भी अलॉट हुआ परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी सेकेंड लिस्ट आएगी। ये जरूर है जो एक्सपेक्टेशन था उससे कट ऑफ ज्यादा गया है। और यू आर का लास्ट ईयर 551 था, इस बार 549 है। अब हार्डली 5 to 6 मार्क्स का ही डिफरेंस शायद देखने को मिले हम लोगों को सेकेंड राउंड में। क्या क्या चीजें करनी है जल्दी से ये देख लेते हैं, जिन्हें कॉलेज अलॉट हुआ और जिन्हें नहीं भी हुआ है, इन शॉर्ट में, क्योंकि उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसे पढ़ करके बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। सबसे पहले बच्चों, 5th ऑफ फेब को दैट यू नो की अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। यू हैव टू प्रॉपरली फॉलो एडमिशन रूल 2018। उसके बाद दो कंडीशन है, सीट अलॉट हुई है आपको या सीट अलॉट नहीं हुई है। अगर आपको सीट अलॉट हुई है, पहला टारगेट है स्क्रूटनी करवाना, दूसरा कॉलेज में एडमिशन लेना, तीसरा अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हो, अपग्रेडेशन तो आपको काउंसलिंग में बने रहने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी है और चॉइस फिलिंग, फर्स्ट चॉइस फिलिंग करनी है। हम लोगों ने जो फर्स्ट राउंड में करी थी वो चॉइस फिलिंग हमारी जीरो हो जाएगी। ये उनके लिए जिन्हें सीट अलॉट हुई है, स्क्रूटनी, एडमिशन लेना है कॉलेज में, रजिस्ट्रेशन फीस अपग्रेड करके नेक्स्ट राउंड के लिए और चॉइस फिलिंग। और जो गरीब है मेरी तरह, मतलब जिन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, यस, वो रजिस्ट्रेशन फीस डायरेक्टली जमा कर सकते हैं 9th से 14th फेब। कब से कब तक? मॉर्निंग में 10 बजे से 9th ऑफ फेब में, मॉर्निंग में 10 से लेकर के 14th ऑफ फेब में रात के 12 बजे तक फीस जमा कर सकते हो आप। तो 9th से 14th तक इनकी विंडो ऑनलाइन ओपन रहेगी। देन चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो, फ्रेश चॉइस फिलिंग। जो पहले चॉइस फिलिंग आपने करी थी वो जीरो हो जाएगी। स्क्रूटनी के लिए बच्चों डेट दे रहा है 8 से 11, 8, 9, 10, 11। बीच में कोई हॉलीडे भी पड़ेगा तो भी स्क्रूटनी का प्रोसेस चलेगा, सुबह 11 से शाम 4:30 तक। और एडमिशन, वो भले लोग जिनका सिलेक्शन हो चुका है, अब उनके खुशी के दिन चालू हो चुके हैं, वो जाए कॉलेज में एडमिशन में 8 से लेकर के 12 फेब तक। एक दिन देखो बढ़ा करके दे रहे हैं, 11 से 4:30 बजे तक, सुबह 11 से 4:30। तो जिन्हें एडमिशन लेना है स्कूटनी, फिर एडमिशन, उसके बाद वो देखे कि उन्हें अपग्रेड करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो रजिस्ट्रेशन फीस और चॉइस फिलिंग, ऊपर के दो स्टेप ऑब्वियसली मिसिंग होंगे जिससे सीट अलॉट नहीं हुई है। रजिस्ट्रेशन फीस तो हमें अपग्रेडेशन के लिए या हमें सीट अगर चाहिए तो गवर्नमेंट के लिए अनरिजर्व को 10,000, SC ST OBC के लिए 5,000, और चाहे आप अनरिजर्व हो, SC ST OBC दोनों के लिए ही प्राइवेट 1 लाख। ये बच्चों सिर्फ MBBS के लिए, BDS में रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, ये MBBS के लिए हम आपको बता रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट के लिए। तो जो बेसिकली रूल फॉलो करना है 2018 का, स्क्रूटनी सबके लिए कंपलसरी है जिन्हें सीट अलॉट हुई है। जिन्हें सीट अलॉट नहीं हुई है, डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन फीस और चॉइस फिलिंग। तो मेरे हिसाब से आपको सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। बाकी मैंने बहुत सारी डिटेल अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करी है, आप लोग अगर उसे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं उसमें हमेशा अपडेट करता रहता हूँ। थैंक यू बच्चों।